हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स ऑफ द जनवरी 2021, जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि डिफेंस एग्जाम्स को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट जनवरी 2021 इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे, कंप्लीट जनवरी 2021 को आज की क्लास के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। तो क्लास के दौरान अगर आपको किसी तरह का डाउट रहा, कुछ प्रॉब्लम रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, चैट बॉक्स में अपना किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप पूछिएगा। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर मिल जाएगा आफ्टर द क्लास, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अब क्लास की तरफ बढ़ेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो द करंट अफेयर्स ऑफ द जनवरी 2021, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। चलिए करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेज की बात कर रहे हैं हम, तो डेज की बात करें सबसे पहले, तो देखिए यहां पे डेज की बात, सबसे पहले आता है वर्ड ब्रेल डे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वर्ड ब्रेल डे। ब्रेल बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जिसको लेके एक दिन 4 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। ब्रेल बेसिकली एक साइन लैंग्वेज होता है, ठीक है, लिखा जाता है इसको, ठीक है। जी हाँ, कोर्स, जी हाँ बिल्कुल, कोर्स भी है जिंदगी लाइफ जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, कोर्सेज हमारे ऑनगोइंग है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्लास की तरफ। तो देखिए सबसे पहले ये ब्रेल डे था हमारे पास, ब्रेल डे पढ़ा हमने, उसके बाद हमारे पास आता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं, 9 जनवरी, क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अपना लॉ प्रैक्टिस करके साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी दिन को हम भारत में ऑब्जर्व करते हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। इंग्लिश में हम इसको एनआरआई डे बोलते हैं, जो हमारे भाई बंधु बाहर रहते हैं दूसरे देशों में उनके लिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली ये बाई एनुअल डे होता है, 2 साल में 1 बार इसको ऑब्जर्व करते हैं, 2 साल में इसको 1 बार ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट 2019 में किया था, इस बार 2021 में किया। तो इस बार इसका थीम क्या रहा, इस बार इसका थीम रहा कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। और जब भी हम प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व करते हैं, एक चीफ गेस्ट हम इन्वाइट करते हैं इंडिया में। और इस बार हमारा चीफ गेस्ट क्या था, सूरीनेम देश के राष्ट्रपति, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। ये हमारे चीफ गेस्ट थे ऑन द प्रवासी भारतीय दिवस। चीफ गेस्ट से एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस साल जब रिपब्लिक डे हुआ था, हर साल रिपब्लिक डे में भी एक चीफ गेस्ट आता है, बट इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे था इस पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, अदर कंट्रीज में भी हम ऑब्जर्व करते हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड हिंदी डे। हम 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं हर साल 10 जनवरी को, बट यहां पर हिंदी दिवस भी होता है एक, ये वर्ल्ड हिंदी डे है, एक नेशनल हिंदी डे या हिंदी दिवस हम बोलते हैं इसको, ये सितंबर 14 को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोनों दिन है अलग अलग, ध्यान रखना, हिंदी दिवस 14 सितंबर और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। गुड इवनिंग शिवम जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है नेशनल यूथ डे। यूथ डे, ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जनवरी को। एंड इस बार इसका थीम क्या रहा, युवा उत्साह नए भारत का, जो युवा है ये नए भारत का उत्साह है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा आर्मी डे। इस बार हमने 73rd आर्मी डे ऑब्जर्व किया, कब, 15 जनवरी को। अब क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा थे, इन्होंने चार्ज ले लिया था, ठीक है, दैट इज कमांडर इन चीफ का चार्ज लिया था, तो इसलिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिवस होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस होता है 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हर साल अब से हम ऑब्जर्व करेंगे इस दिन को एज अ पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन हर साल पराक्रम दिवस के तौर पे ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अकॉर्ड डे। देखिए बोडोलैंड बेसिकली ये एक ट्राइबल पीपल है, बोडो पीपल्स, दैट लिव्स इन द असम। तो सरकार ने अभी इनकी बहुत सारी मांगे मान भी ली थी, इनके साथ समझौते भी हो रहे हैं सरकार को, तो काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये भी 24 जनवरी को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी 24 जनवरी को होता है। तो 24 जनवरी को बोडोलैंड, गर्ल चाइल्ड,
इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कि बोडो पीपल्स की जो गर्ल चाइल्ड है उनको एजुकेशन मिल रहा है 24 जनवरी को, ये ध्यान रख लेना। बोडो पीपल्स की जो गर्ल चाइल्ड है उनको एजुकेशन मिल रहा है, विदेश में एजुकेशन मिल रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन डे नहीं है। उसके बाद आता है नेशनल वोटर्स डे, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे की बात करूं तो देखिए 25 जनवरी 1950 को बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसी के चलते हुए 25 जनवरी को ही हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज अ नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे। और इस बार इसका थीम क्या रहा, इस बार इसका थीम रहा बच्चों मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट एंड इन्फॉर्म्ड, एंड इन्फॉर्म्ड, ये इस बार इसका थीम रहा। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, कस्टम्स डे ये 27 जनवरी को होता है, इसका थीम रहा कस्टम्स बॉर्डरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रीसिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। थीम्स थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। जय हिंद अवध जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट बेसिकली एक घटना हुई थी तो उसके चलते हुए 27 जनवरी को उसका रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं हम। उसके बाद वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे, ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी, उसके चलते ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए इंडिया में उसके चलते ऑब्जर्व होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आगे बात कर रहे हैं हम अवार्ड्स की बात करें, इकोनॉमी और बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है हमारा, बेसिकली गुजरात के अंदर यहां पे बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गुजरात के अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया जाए, तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना सपना पूरा किया, ठीक है। बट हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का मेंबर बन चुका है, ठीक है, ये इसका मेंबर बन चुका है, एसोसिएट मेंबर बन चुका है। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स होते हैं दुनिया के जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, सिक्योरिटीज एजेंसीज होती हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। तो जैसे भारत का सेबी इसका मेंबर है, भारत का सेबी इसका मेंबर है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन के अंदर है, और जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ये कहां पे है, गुजरात के अंदर गांधीनगर में। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखना है आपको, क्लियर। अब भारत का थोड़ी सी बातें ध्यान में रख लेते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी का एजेंडा था वो क्या रहा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे ये 290 मिलियन डॉलर से डिक्लाइन हो गए थे, वो कितने रह गए थे, 580.84 मिलियन डॉलर। अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बट ये तब का डाटा है। गोल्ड रिजर्व जो है ये डिक्रीज हुआ था। उसके बाद बात करें फॉरेन करेंसी एसेट्स जो थे ये भी डिक्रीज हो गए थे बाय द 253 मिलियन डॉलर, ठीक है। और द स्पेशल ड्राइंग राइट्स विद द IMF ये भी डिक्रीज हो गए थे 4 मिलियन डॉलर्स टू द 1.5 मिलियन डॉलर्स। तो ये सारी चीजें बेसिकली दिसंबर 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग लिए, अभी ये सारी चीजें चेंज हो चुकी है तो अभी हम इसके इतना ध्यान नहीं देंगे, क्लियर। आरबीआई ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे लॉन्च किया, जिसके चलते हुए आरबीआई ने देखा कि कॉमन हाउसहोल्ड्स को इन्फ्लेशन लेवल जो है वो कहां कहां तक पहुंच चुका है, क्या जो कॉमन व्यक्ति है उसको सारी नीड्स मिल पा रही है, वो ग्रो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये सबको देखने के लिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ द हाउसहोल्ड लॉन्च किया, क्लियर। नेक्स्ट टाटा पावर ने सिडबी के साथ मिलकर यहां पर फाइनेंस स्कीम लॉन्च करी एमएसएमई के चलते हुए, जो हमारे रूफ टॉप्स हैं, छतों के ऊपर जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने के लिए, सोलर रूफटॉप लगाने के लिए। देखिए आने वाले टाइम्स में एनर्जी को लेके हमारा जो टारगेट है वो रिन्यूएबल एनर्जी ही है, रिन्यूएबल एनर्जी के चलते हुए सोलर हमारा एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो सोलर को प्रमोट करते हुए यहाँ पे टाटा ने सिडबी के साथ हाथ मिलाया। सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी बना था 1990 में अंडर द सिडबी एक्ट ऑफ 1989। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट आता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यहाँ पे रिलीज किया गया परचेजिंग को लेके, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर सप्लाई को देखने के लिए यहाँ पर नंबर वाइज यहाँ पे रैंकिंग दिया जा रहा है, क्लियर। आरबीआई ने यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग को प्रमोट करने के लिए एक कमेटी बनाई, दैट इज अंडर द जयंत कुमार दास, जेके दास के अंदर यहाँ पे एक पैनल क्रिएट किया। जेके दास आरबीआई के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नेक्स्ट आता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स को आरबीआई ने यहाँ पे लॉन्च किया, आरबीआई ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस को लॉन्च कर दिया है। बेसिकली इसके चलते हुए जो POS इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉइंट्स ऑफ सेल मशीन है, इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते हुए कैशलेस इकोनॉमी का तरफ जो हमारा टारगेट है उसको प्रमोट करते जा रहे हैं, ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी POS मशीन्स को बांटा जाए, ठीक है। अभी रुपए चैनलाइज POS मशीन्स बांटी गई हैं, तो आरबीआई यहाँ पे
पैसा दे रहा है, योगदान दे रहा है किस चीज को लेके, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, पेमेंट सिस्टम और अच्छे वे में लेके जाने के लिए, ताकि लोगों की जेब में इजिली एसेस हो पनी विद द कैशलेस। ठीक है, उसी के चलते हुए आरबीआई ने, आपने देखा होगा जो एनईएफटी है, आरटीजीएस है, इसको भी टाइमिंग इसकी बढ़ा दी गई है। एनईएफटी 24 आवर्स हो चुका है, आरटीजीएस 24 आवर्स हो चुका है। ये सारी चीजें आरबीआई बढ़ाता जा रहा है, पहले नहीं तो ये सिर्फ बैंक कार्स में ही वर्क करते थे, अब दो दो घंटे के बैचेस में इनका काम चलता है। आरटीजीएस दैट इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 2 लाख से ऊपर का होता है, एंड नेक्स्ट इज एनईएफटी दैट इज अ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, इसमें अमाउंट का लिमिट, मिनिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डिफेंस न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर, डिफेंस न्यूज की बात करें तो इंडियन आर्मी के अंदर एक नया ह्यूमन राइट सेल बना दिया गया, जिसको हेड करेंगे द मेजर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज जनरल गौतम चौहान। जनरल गौतम चौहान ये पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल यहां पर अपॉइंट किए गए इस ह्यूमन राइट सेल के, जो कि इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली पे लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी को लेकर, दैट इज सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यहां पर एक डील क्लियर कर दिया है कि 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स यहां पे अप्रूव किए गए हैं, जिसका अमाउंट रहेगा 48,000 करोड़। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करूं तो तेजस जो है ये एचएएल ने बनाया था, एचएएल बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय सरकार, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बेसिकली ये रिप्लेस किसको करेगी, ये MiG-21 फाइटर प्लेन्स जो है इनको रिप्लेस कर रही है, करंटली हमारे पास वही है तो उसको रिप्लेस ये करेगा। 4000 किलो का तेजस का जो पेलोड कैपेसिटी है, 4000 किलो का इसका कैपेसिटी है। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 1.8 मैच। रेंज की बात करूँ तो 850 किलोमीटर का जनरल रेंज है, और कॉम्बैट रेंज है इसका 500 किलोमीटर का, तो इसका ध्यान आपको रख लेना है। उसके बाद बढ़ेंगे LYNX-U2 GFCS, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते हुए 10 LYNX-U2 GFCS जो है ये इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे, इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। डेट इज अ नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम, जो है ये दिए जाएंगे इंडियन नेवी को, बेसिकली ऐसे हमारे जो पेट्रोल वेसल्स हैं जो पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं उन पे यहाँ पे इसको अपॉइंट किया जाएगा, ताकि अगर कोई सर्वाइलेंस होता है, कोई घटना यहाँ पे पाई जाती है तो उसको ये डिटेक्ट कर, उसके लिए तैयार रहे, हमेशा तैयारी रहे। DRDO ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके चलते हुए बायो डाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, ह्यूमन वेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन वेस्ट जो इंसान गंदगी फैलाता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, इंसान जो गंदगी फैलाता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज सी विगिल, सी विगिल की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज सी विगिल यहां पे ऑब्जर्व की गई। क्लियर, कोस्ट लाइन की एक्सरसाइज है, कोस्ट लाइन के अराउंड इसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इंडियन नेवी ने इसको ऑब्जर्व किया, इंडियन नेवी बेसिकली इसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, सी विगिल। उसके बाद बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने, यहां पर DRDO ने 21 एम्बुलेंस बाइक, मैं कह सकता हूं कि बाइक एम्बुलेंस डिफेंस पर्सोनल के लिए इसको लॉन्च किया, कि ऐसा हमारा डिफेंस पर्सोनल, ऐसी हमारे आर्मी फोर्सेस जो हिली एरियाज में वर्क करते हैं जहां पर एम्बुलेंस का पहुंचना इतनी जल्दी नहीं होता, वहां के लिए बाइक एम्बुलेंस लॉन्च कर दिया गया, बाइक एम्बुलेंस टू व्हीलर जो एम्बुलेंस है उसको लॉन्च कर दिया गया, दैट इज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, DRDO की सहायता से इसने बनाया। उसके बाद एक्स डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया गया, दैट इज इन द जोधपुर राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज कवच, ये भारतीय नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो कि अंडमान निकोबार कमांड के अंदर ऑब्जर्व की गई। उसके बाद बात करें HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पर स्मार्ट एंटी एयरफाइट वीपन, दैट इज SAAW, इसको टेस्ट फायर कर लिया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया ओडिशा से इसको टेस्ट फायर किया गया। आगे बढ़ेंगे आकाश मिसाइल, आकाश एक न्यू जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये सरफेस टू कौन सा मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, जिसको ओडिशा को से टेस्ट फायर कर लिया गया। क्लियर, इसको टेस्ट फायर कर लिया गया है आकाश मिसाइल। तो बनाई किसने, DRDO ने बनाई है, 30 किलोमीटर तक का टारगेट है इसका, 30 किलोमीटर तक का टारगेट है इसका, DRDO ने इसको बनाया। आगे बढ़े तो इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर, देखिए हमारे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर यहां पर लॉन्च किया,
ठीक है, कहां पे? डीआरडीओ का एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स है हैदराबाद के अंदर, उसके अंदर इस इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर को लॉन्च कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, स्टार सिक्स एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए स्टार सिक्स एयर डिफेंस सिस्टम ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने भारत के अंदर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते हुए ये भारत में चलाएंगे स्टार सिक्स एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर स्टार सिक्स एयर डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल बनाई है, ठीक है, दैट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी स्पीड रहेगी मैच थ्री तक इसकी स्पीड रहेगी, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी ध्यान में रखना। अभी हमने एक और पढ़ी थी सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो इसका ध्यान आपको रख लेना है। स्टार स्ट्रीक। नेक्स्ट ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया था राजस्थान के अंदर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सरधवा लॉन्च किया गया था, ठीक है। बेसिकली वहां पे कुछ एक्टिविटीज जो है उसको सबको चेक करने के लिए, फोक के चलते हुए, क्योंकि जनवरी में बहुत सारी धुंध होती है, तो उसके चलते हुए एक्टिविटीज को देखने के लिए ऑपरेशन सरधवा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट एमफेक्स 21 इंडियन आर्मी का एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था, जो कि अंडमान निकोबार में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट एनवायरमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट एडवाइजरी अप्रूव कर दिया है, दैट इज अ स्टैंडर्ड कमेटी अप्रूव कर दी गई, दैट इज ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था ये 1972 में आया था, तो उसके चलते हुए उसके बाद कानून में कई बार कुछ अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई, बट बहुत कम अमेंडमेंट हो पाए। तो बेसिकली ग्राम पंचायत को अब एम्पावर करने के लिए, ताकि वो अपने एरियाज में देखे कि जो एनवायरमेंट है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, क्या वो सेफ गार्ड्स हैं, उन सबको मैनेजमेंट देखने के लिए यहाँ पर इसको सरकार ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एडवाइजरी बना दिया, कि इंसान जो ह्यूमन बींग्स है इनके बीच में जो मतभेद होते रहते हैं जानवरों को लेके, कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ इंसान की पॉलिसीज कुछ होती है, कुछ इंसान एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके चलते हुए एडवाइजरी ग्रुप बना दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट अ बर्ड फेस्टिवल That is to be organized at the Mahanada Wildlife Sanctuary in West Bengal. यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि Mahanada Wildlife Sanctuary कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर एक फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, दैट इज बाय द दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, $10 मिलियन का लोन देगा हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को बूस्टअप करने के लिए। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनाया गया था, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, मसरसुगु असाकावा इसके जो हेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को $10 मिलियन का लोन दिया है हॉर्टिकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए। एंड हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है जयराम ठाकुर। उसके बाद बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यहाँ पर जो नेशनल एंथम है इनका, इसके अंदर कुछ चेंज किया है, ठीक है, नेशनल एंथम चेंज किया है। यहाँ पे एक वर्ड था फोर वी आर यंग एंड फ्री, इसको चेंज करके बना दिया गया फोर वी आर वन एंड फ्री। ये किसने किया? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया। नेक्स्ट कजाकिस्तान ने यहाँ पे अबॉलिश कर दिया डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया, दैट इज अ परमानेंट अर्ली टू फ्रीज ऑन कैपिटल पनिशमेंट इन द ऑथराइजेशन ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्री। बेसिकली जो डेथ पेनल्टी उसको खत्म कर दिया है, कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट यूके ने अबॉलिश कर दिया सेक्सिस्ट टैक्स, जो कि वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगता था, उसको हटा दिया गया, अब उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, जिसको बोलते थे टैम्पन टैक्स, इसने यहां पे हटा दिया है। नेक्स्ट येसा साइक्लोन, ये यहां पे अभी फिजी देश में यहां पे येसा साइक्लोन आया था, तो भारत ने इसके चलते हुए फिजी देश में अपनी सहायता भेजी, रिलीफ पैकेज भेजा। क्लियर। भारत तीन यूएन बॉडीज को चेयर कर रहा है, इट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तीन कमिटीज को हेड कर रहा है, ठीक है। देखिए इंडिया यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, तो उसके चलते हुए इंडिया तीन कमेटीज को यहाँ पे हेड करेगा, जो कि तीन मैटर्स देख रही हैं। एक तो है तालिबान सैंक्शंस कमेटी, इसके ऊपर इंडिया वर्क कर रहा है, उसके बाद काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसके ऊपर भी इंडिया वर्क करेगा, लीबिया सैंक्शंस कमेटी, इसके ऊपर भी इंडिया वर्क करेगा भारत, बिकॉज इंडिया बिकेम द टेम्परेरी मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, तो इंडिया बिकेम द नॉन परमानेंट मेंबर। इंडोनेशिया का एक पैसेंजर प्लेन जिसका नाम था श्री विजया एयर, ये 62 पीपल्स को लेके जा रहा था, ये क्रैश हो गया था। बेसिकली ये क्रैश हो गया था कब?
दैट इज इन द जनवरी में क्रैश ये प्लेन हो गया था। तो कहां का कौन से देश का प्लेन था ये आपको ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया का प्लेन था। इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, बट इंडोनेशिया ने भी अनाउंस किया था कि आप ये नई कैपिटल अनाउंस कर रहे हैं। तो नई कैपिटल जो है ये कहां पे रहेगी, ये बोर्नियो आइलैंड में रहने वाली है, बिकॉज इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड है। ये जो अभी कैपिटल मैंने बात की जकार्ता, ये जावा आइलैंड में है। नई कैपिटल जो है वो ईस्ट कालीमंतन का कोई एरिया रहेगा, दैट इज इन द बोर्नियो आइलैंड। क्लियर। यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इनका जो अकाउंट था ये ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था, ट्विटर ने इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था परमानेंटली। नेक्स्ट बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने $105 मिलियन का लोन अप्रूव किया वेस्ट बंगाल के अंदर वाटरवेज को इंप्रूव करने के लिए। देखिए जिस तरह से हमारी रोड्स होती हैं उसी तरह से हमारे पास वाटरवेज भी होते हैं, तो वाटरवेज को इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक यहां पर वेस्ट बंगाल की सरकार को $105 मिलियन का लोन दे रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, अभी अभी टीएमसी ने इलेक्शन जीता आप सबको पता होगा। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, इसको बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है डेविड मॉलपास। ये बातें ध्यान में रखना है। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 सब्सिडियरी है, 5 सब्सिडियरी भी बता देता हूं, इनका फुल फॉर्म आपको नोट कर लेना है ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर ये 5 सब्सिडियरी का लेकर क्वेश्चन अगर पूछा गया कभी तो 5 सब्सिडियरीज है। सबसे पहले IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूज इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये वर्ल्ड बैंक की 5 आर्म्स है, वर्ल्ड बैंक की 5 सब्सिडियरीज हैं ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट फिजी ने यहां पर प्रेसिडेंसी जीत लिया, किसका, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, कि फिजी अब प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। फिजी की राजधानी है सुबह। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो प्रोहिबिशन ट्रीटी थी ये अब इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी है, पहली ट्रीटी थी ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी है। अब इसको लेके जो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल है उसको आपको कंट्रोल करना होगा। दुनिया में जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बेसिकली यूएस, रशिया, यूएस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है एज पर द सिप्री रिपोर्ट्स। तो यूएस जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करता जा डिक्रीज करता जा रहा है। तो देयर इज अ ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशंस ऑन द पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग नॉट डेवलपिंग, टेस्टिंग, प्रोड्यूसिंग, इंक्वायरिंग, प्रोसेसिंग, स्टॉकपिलिंग, यूजिंग और थ्रेटनिंग टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद। हाँ, आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी बाय द थोरियम और यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए हमने न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, बट न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दैट इज नॉट अ ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, ये फोर्स में आ चुकी है। तो 120 देश लगभग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है। क्लियर, बेसिकली ये कुछ कंट्रीज हैं ठीक है जिन्होंने यहां पर अडॉप्ट नहीं किया है इस ट्रीटी को। ये कौन कौन सी है, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल ठीक है, इन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, नो कंट्री, क्योंकि नो कंट्री के पास अच्छे लेवल पे न्यूक्लियर है। जैसे यूएस के पास सबसे ज्यादा है, भारत के पास, इंडिया का इंक्रीज हुआ है, इंडिया ने इंक्रीज किया, पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गैप था, यानी कि पाकिस्तान का ज्यादा था, अब इंडिया का ज्यादा है एज पर द सिप्री रिपोर्ट, में बता रहा हूं सिप्री की रिपोर्ट। नेक्स्ट, इंडोनेशिया का सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, दैट इज माउंट मेरापी। तो जो कि 2968 मीटर में वोल्केनो की जो वोल्केनो था 2968 मीटर के डेंसिटी के ऊपर यहाँ पर जावा आइलैंड जो कि इसकी कैपिटल भी यहाँ पे आती है, दैट इज मैंने बताया अभी आपको जावा आइलैंड पे आता है जकार्ता, यहाँ पे आया। तो इंडोनेशिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, इंडोनेशिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क एलियंस, इसने लॉन्च कर दिया है ठीक है, जो कि इसके CEO भी अपॉइंट कर दिए गए, इसके CEO रहेंगे हैंस वेस्टबर्ग, यहां पे अनाउंस लॉन्च कर दिए गए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ठीक है, सुनामीस और अर्थक्वेक से बचने के लिए यूके और जापान ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन किया और लॉन्च किया लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यूएस के जो प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट जो बाइडन जी, इन्होंने एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी लॉन्च किया, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, दैट इज बाय द 5 years, ठीक है। तो जिसके चलते हुए जो वेपन्स है, सीजक रिपब्लिक ने भी, सीजक रिपब्लिक प्राग में बेसिकली इसको, नई स्टार ट्रीटी को साइन किया गया यूएस और रशिया के बीच में 2010 में साइन किया गया था। अब इसको न्यू ट्रीटी साइन कर दिया गया, जिसके चलते ये रशिया और यूएस एक दूसरे अपने जो इनके वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, इनको डिक्रीज कर रहे हैं, इनको डिक्रीज कर रहे हैं। तो अभी न्यू स्टार ट्रीटी के चलते हुए अभी मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स का जो पालना है वो किया जाएगा, यानी कि इस ट्रीटी के चलते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्पेन और फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते हुए दोनों मिलकर एक सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं 590 मेगावाट का। ये सोलर पावर प्लांट जो रहेगा, ये यूरोप का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रहेगा, जो कि स्पेन के अंदर बनाया जा रहा है, स्पेन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है ये भारत के अंदर ऑलरेडी ऑन गोइंग है। भारत के अंदर 2 वैक्सीन, अभी तो वैसे 3 वैक्सीन है, ठीक है, स्पुतनिक भी है बाद में आई, पर यहाँ पे 2 वैक्सीन की बात हम करेंगे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसको अप्रूवल दिया गया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड यूज की जा रही है। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की बनाई हुई वैक्सीन है, भारत बायोटेक जो कि एक हैदराबाद बेस्ड इंडियन कंपनी है। कोविशील्ड जो है ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसको इंडिया में बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा वैक्सीन जो इंडिया में मिल रही है वो कोविशील्ड मिल रही है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई है, ठीक है। ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई गई थी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, क्लियर। उसके बाद ये कुछ वैक्सीन है जिनका जिनका जो वर्क है दुनिया भर में चल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिए इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड निमोनिया वैक्सीन, ठीक है, दैट इज द निमोनिकल कॉन्जुकेट वैक्सीन, पीसीवी वैक्सीन, जिसको नाम दिया गया था न्योमोसिल, इसको यहां पर लॉन्च कर दिया गया। इसको बनाया किसने, इसको बनाया दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मेकर ने, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। देखिए भारत जब कोविशील्ड को लेकर वर्क कर रहा है, तभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स की काफी फंडिंग है इसके अंदर। आप ध्यान रखिएगा कि बिल गेट्स ने बहुत पैसा दिया है। भारत ने 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन मिशन भेजा था अंटार्क्टिका के ऊपर। देखिए अंटार्क्टिका की स्टडी के लिए भारत टाइम पे मिशन भेजता रहता है, तो भारत ने 40वां मिशन भेजा था गोवा से पोर्ट से भेजा था, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे बर्ड फ्लू की बात करें तो भारत में बहुत सारे एरियाज में बर्ड फ्लू आया था, दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, आपने देखा होगा हिमाचल और भी बहुत सारे एरियाज में यहाँ पे बर्ड फ्लू पाया गया था। तो अभी ये कंट्रोल में है, अभी आपको लेके आगे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया ये लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, वेव 1 रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, एजिंग बेसिकली रिपोर्ट हो रही है ये, एजिंग रिपोर्ट की भारत के अंदर जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, जो एजिंग है वो किस तरह से इफेक्टिव हो रही है, कितने पीपल्स जो है वो 45+ हैं, 75+ हैं, क्या उनको सारी फैसिलिटीज मिल पा रही हैं, ठीक है, क्या उनको किस तरह से उनकी जीवन चल रहा है, उसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश किया गया। उनका हेल्थ, उनका इकोनॉमिक स्टेशन, उनका सोशल स्टेटस जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। बेसिकली इट्स अ नेशनल सर्वे टू व्यू दीज थिंग्स। गुड इवनिंग जी, आर्यन जी, जिंदगी लाइव, थैंक यू सो मच, ठीक है। क्लास को शेयर करते रहिए प्लीज़, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, डेट इज़ द इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, ये 2011 में भी इसका वेव 1 रिपोर्ट आया था, जिसके चलते हुए 60% प्लस पॉपुलेशन अकाउंटेड फॉर द 8.6% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। 60 प्लस की जो पॉपुलेशन है ये कितनी है, तो अभी भी इन सब चीज़ों को लेकर सर्वे लॉन्च किया गया, ये काउंट करके बताएगा कि कितनी है, ठीक है, क्या यहाँ पे है। नासा ने यहाँ पर पिक्चर शेयर की है, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज का एक ह्यूज क्लस्टर है, उसकी पिक्चर शेयर की है, उसको नाम दिया गया एबल 370, इसकी पिक्चर नासा ने शेयर करी। स्पोर्ट्स की बात करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। चलिए, द अर्थिंग मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस, तो तैमूर राजबोव, इन्होंने जीता यहां पर ये
एयर थिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस फाइनल, ऑनलाइन चेस का टाइटल था ये, तो इन्होंने जीता है। टैमर रेडजबोव। उसके बाद असम राइफल्स पब्लिक स्कूल बिकम पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पर भारत के अंदर जगह जगह पर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर बनाने का प्लान किया हुआ है। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री किरेन रिजिजू जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था कि भारत में जगह जगह पर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे और स्कूल्स कॉलेजेस इनको भी स्पोर्ट्स सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा खेलो इंडिया के चलते हुए, हर जगह स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करने के, क्योंकि भारत मेडल विनर्स बनना चाहता है। भारत जो ओलंपिक मेडल्स हैं, जो कॉमनवेल्थ के मेडल्स हैं, एशियन गेम्स के मेडल्स हैं, इनको इंक्रीज करना चाहता है, तो स्पोर्ट्स को प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ये भारत का पहला नॉर्थ ईस्ट का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बन चुका है। क्लियर? तो ये किरण रिजिजू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, आपको ये बात ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट, द क्लियर पॉलोसेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने मेन्स, फर्स्ट वुमेन टू मैच ऑफिशियल इन मेन्स टेस्ट, ठीक है। शी इज टू टेक अप टू द फोर्थ एम्पायर रोल इन द थर्ड टेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज स्टार्टिंग एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो क्लियर पॉलिस ऑस्ट्रेलिया ये मेंस मैच के अंदर क्या बन गई, वुमेन एम्पायर, ठीक है, वुमेन एम्पायर। नेक्स्ट, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन वुमेन सिंगल का टाइटल जा, ये स्पेन की कैरोलिना मैरिन ने जीता है, और मेन सिंगल का टाइटल ये विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट का एक ट्रॉफी होता है ये, ठीक है। तो ये इस बार तमिलनाडु ने जीता बड़ौदा को हराकर। देखिए, इस बार रणजी कैंसिल किया गया था, क्योंकि रणजी बहुत बड़ा इवेंट होता है, रणजी को कैंसिल किया गया था, रणजी ट्रॉफी नहीं होगी, तो रणजी के चलते हुए ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की गई थी। इस बात का ध्यान आपको रख लेना है कि रणजी इस बार नहीं हो रहा। अब पर्सनल न्यूज की बात करते हैं, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ यहां पे नियुक्त किए गए, इनका नाम है सुनीत शर्मा। पहले वीके यादव थे, वीके यादव रिटायर हो गए, उनका टर्म खत्म हो गया, अब सुनीत शर्मा इज द रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। देखिए, रेलवे बोर्ड बना था 1853 में, जब भारत में पहली रेल चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, 1853 का रेलवे बोर्ड वर्क कर रहा है। रेलवे बोर्ड का सारा जो रेलवे को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रेलवे बोर्ड का ही होता है। तो इसके जो चेयरमैन एंड सीईओ बने, इनका नाम है सुनीत शर्मा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात अगर मैं करता हूं, तो सोमा मंडाल इसके नए चेयरपर्सन बने हैं। सोमा मंडाल द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पहले पे कौन, चाइना। उसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस, इनका नाम है जस्टिस हिमा कोहली। नेक्स्ट बात करेंगे सत्यापाल जी, एक बहुत फेमस डिजाइनर है, बहुत फेमस फैशन डिजाइनर थे, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। क्लियर? उसके बाद डॉक्टर राज अय्यर ये बने हैं द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी, यूएस ऑफिसर के पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मिस्टर राज अय्यर, भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए चीफ सुबोध कुमार जायसवाल ये बन चुके हैं, सुबोध कुमार जायसवाल साहब। आगे बढ़ेंगे, नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रत्ते साहब, इन्होंने बेसिकली अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, बट फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं, फिर से इन्होंने चुनाव जीत लिया। मार्क रत्ते एक स्कैंडल इनके ऊपर लगा था, कि एक इल्जाम लगाए गए थे कि इन्होंने स्कैन बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, तो जिसके चलते अब इनके ऊपर एलिगेशन लगे, तो इन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ रिजाइन कर दिया, फिर से चुनाव हुआ और ये फिर से प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट, युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी ये फिर से रीइलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। 1991 में इनको पद्मश्री दिया गया था, और 2018 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था, भारत का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल अवार्ड जो है, ठीक है, सिविलियन अवार्ड्स। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशांक जी को हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के द्वारा अवार्ड दिया गया, ठीक है, हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड दिया गया कनाडा के द्वारा। श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी नियुक्त किए गए हैं फेडरल बैंक के, और इनको यहां पर एक अवार्ड भी दिया गया, रीअपॉइंट किए गए, पहले इनका टर्म खत्म हो रहा था, रीअपॉइंट भी किए गए, और इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 अवार्ड भी दिया गया। क्लियर? द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ एस्टोनिया, दैट इज कैजा कैलस, द फर्स्ट वुमेन पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। उसके बाद बात करेंगे ज्याति घोष, दैट इज इन द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यहां पर बनाया गया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा यह बनाया गया है। तो ज्याति घोष यहां पर इसके मेंबर अपॉइंट किए गए हैं,
ये मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। द फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूएस, इनका नाम है जानेट येलन, जेनेट येलन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेशनल मेट्रोलॉजी कंक्लेव 2021, नेशनल मेट्रोलॉजी कंक्लेव 2021 इसको ऑब्जर्व किया गया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया, क्लियर? दैट इज नेशनल मेट्रोलॉजी कंक्लेव। किसने ऑर्गेनाइज किया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इसको रिजर्व CSIR ने इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। द फोर्थ वन प्लैनेट समिट, द फोर्थ वन प्लैनेट समिट इसको होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? फ्रांस। फ्रांस इसको होस्ट कर रहा है। फ्रांस किसको होस्ट कर रहा है? द फोर्थ वन प्लैनेट समिट। इस बार इसका थीम क्या रहा? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर, ये इस बार इसका थीम रहा। एंड ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और फ्रांस तीनों मिलकर इसको ऑब्जर्व ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वन प्लैनेट समिट के चलते हुए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहां पर क्लाइमेट चेंज के चलते क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से दुनिया को बचाने के लिए यहां पर वन प्लैनेट समिट ऑब्जर्व की जा रही है, क्लियर? द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ साहेल एंड सहारा इनिशिएटिव रिसेंटली रिसीव 14 बिलियन यूएसडी फंड्स, ठीक है? वन प्लैनेट समिट के चलते हुए इसको फंडिंग की जा रही है। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अफ्रीकन लेड इनिशिएटिव, ठीक है? इसके चलते हुए 8000 किलोमीटर का जो 8000 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा जो है, जो ट्रीज का जो एरिया है उसको बनाया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये केरला के अंदर अल्फोजा में बनाया जा रहा है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, लेबर मूवमेंट म्यूजियम, लेबरर्स को लेके दर्शाएगा म्यूजियम। उसके बाद एशिया कोऑपरेशन डायलॉग 2021, ठीक है? ये यहाँ पे अंकारा डिक्लेरेशन था, इसको साइन कर लिया गया है। और इस बार इसका थीम क्या था? द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म, ठीक है? एशिया कोऑपरेशन डायलॉग के चलते हुए जो टूरिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई, टूरिज्म को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई। आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ पे इस बार इसको ऑब्जर्व किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के चलते हुए यहाँ पे भाषण दिया, ठीक है? मोदी जी ने बात की यहाँ पर किस तरह से दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाना है, किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से COVID-19 से निपटा जा सकता है। तो मोदी जी ने इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे बात करी। नेक्स्ट बात करेंगे, पीएम मोदी जी यहाँ पर G7 समिट को भी अटेंड करने वाले हैं। G7 बोले तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, देखिए G7 की मैं बात करूँ तो G7 दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, दुनिया की टॉप इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, 7 कंट्रीज है इसके अंदर, 1975 में बनाया गया था। और G7 का कोई परमानेंट सेक्रेटरियट नहीं है। G7 की जो समिट है इस बार यूके की प्रेसिडेंसी में हुई है, यूके की चेयरमैनशिप में हुई है, यूके की चेयरमैनशिप में, यूके। और कंट्रीज कौन कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। इंडिया हिस्सा नहीं है इसका, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये असम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इंप्रूव करने के लिए $231 मिलियन का लोन दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तमिलनाडु के गवर्नर ने यहाँ पर, गवर्नमेंट ने यहाँ पर परमिशन दे दिया, 100% ऑक्युपेंसी इन सिनेमा थिएटर्स अप्रूव किया था, ठीक है? तो बाद में उसको हटा दिया गया, ये कोविड नॉर्म्स के चलते हुए था, अब इसको रिमूव कर सकते हो, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना तीसरा स्टेट बना है कंट्री में जो कि अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, ठीक है? तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ 2,508 करोड़ रुपए यहाँ पर ओपन मार्केट बोरिंग्स के चलते हुए उठाएगा और अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को आगे लेके जाएगा, यानी कि लोकल बॉडीज का सहारा लेते हुए जो रिफॉर्म्स है स्टेट को आगे लेके जाना। तो तेलंगाना इस चीज़ को आगे बढ़ रहा है। आगे बात करेंगे, असम बना रहा है यहाँ पर क्या? साइंस सिटी। कहाँ पे? तपेसिया, गुवाहाटी का एक एरिया है, तपेसिया में यहाँ पर असम बना रहा है एक साइंस सिटी, क्लियर? महाराष्ट्र की सरकार ने जेल टूरिज्म स्टार्ट करने की बात कर दी, जेल टूरिज्म यहाँ पे चलाया जाएगा पुणे जेल के अंदर, पुणे जेल में टूरिज्म स्टार्ट कराएगा महाराष्ट्र की सरकार, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया फर्स्ट यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी, बोट में लाइब्रेरी यहाँ पे लॉन्च कर दी गई। किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल के प्रशासन के द्वारा, अब किताबों की बात करेंगे तो कुछ किताबें हमारे पास आ जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक यहाँ पर कॉमिक बुक है, द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉमिक बुक, दैट इज टिनटिन कॉमिक बुक आर्ट बाय द हर्ज, जिनका रियल नेम जॉर्ज रेमी है। उसके बाद बात करेंगे सूत्रावाणी वेदनाची सूत्र एक अनुभव, ये रूपाचारी जी की लिखी हुई किताब है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्प इन ऑस्ट्रेलियाज, ये सीनियर क्रिकेटर आर कौशिक जी की लिखी हुई किताब है। उसके बाद राइट अंडर आवर नोज, वेरी फेमस बुक, नोज नॉट नोसल, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, दैट इज आरबीआई के चेयरमैन, आरबीआई के जनरल मैनेजर आर गिरिधरन साहब की किताब है ये।
द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बेसिकली भारत के अंदर इस्लाम को लेकर जो मिथ्स हैं उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। ये किताब लिखी है भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरैशी साहब ने, इस किताब को लिखा है। मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको, ये किताब लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसन हिमालयन सिंह ने, कौनसन हिमालय सिंह ने इस किताब को लिखा है। आगे बढ़ेंगे फेस्टिवल्स की तरफ। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया, इसके चलते हुए किर्गिज फिल्म है द रोड टू एडन जो कि बख्त मुकिल एंड दस्तन जपार के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, इसको अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो है ये सनिया लांगुतिना को दिया गया फॉर द फिल्म फरीदा। ठीक है, ये जो मूवी है ये अजरबैजान और रशिया के द्वारा मिलकर प्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद भारत के अंदर, भारत में गोवा में ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बांग्लादेश यहाँ पे इस बार फोकस कंट्री चूज किया गया था। फोकस कंट्री हर बार कोई फोकस कंट्री होता है, तो यहाँ पर बताया गया बिस्वाजीत चटर्जी, इनको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पे दिया गया, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे अवार्ड की बात करेंगे। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म यहाँ पे दिया गया इनटू द डार्कनेस को। सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मेल, मेरे को नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है, सॉरी फॉर दैट। जू शुआन लियो, ठीक है, द साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल, जोफिया स्टाफेज आई नेवर क्राई मूवी के लिए। सिल्वर पीका अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर चेन नईन को द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड विक्टोरियस रोटेरो को दिया गया, इटालियन सिनेमेटोग्राफर हैं। और यूनेस्को गांधी अवार्ड अमीन नफिया को दिया गया। नेशनल पुलिस K9 जर्नल, देखिए पुलिस को लेके एक जर्नल रिलीज हो रहा है और ये भारत का पहला जर्नल होगा जो पुलिस को लेके लिखा गया होगा नई दिल्ली के अंदर, ट्राइफेड की बात करूं तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, दैट इज अ ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरल डेवलपमेंट बॉडी है ये, दैट हैज साइंड द MOU विद द अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र, जिसके चलते हुए ट्राई फूड पार्क सेटअप किए जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरियाज में फूड पार्क्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर, देखिए हमारा जो CSIR है, दैट इज द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने एक वेंटिलेटर बनाया जिसका नाम है स्वास्थ्य वायु। नेक्स्ट बात करेंगे मोदी जी ने डबल डैक लॉन्ग हिल 1.5 किलोमीटर का लॉन्ग हिल ट्रेन जो है भारत के अंदर चलाया हरियाणा में राजस्थान तक। हरियाणा में एक जगह है न्यू दिल्ली से लेके राजस्थान में एक जगह है न्यू किशनगंज तक, ये डबल स्टैक लॉन्ग ट्रेन चलाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है, दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हिल ट्रेन यहाँ पे इस एरिया में चलाई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पर फ्री इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम यहाँ पे 22 ऑफिशियल भाषाओं में लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्लियर, अभी लॉन्च कर दिया गया, पहले अनाउंस किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा बनाया गया एक पेंट, ठीक है, ऐसा पेंट जो कि आपका मैं बता सकता हूँ प्लास्टिक पेंट की कैटेगरी में भी होगा और डप्लक्स की कैटेगरी में भी होगा, ठीक है, डिस्टेंपर की कैटेगरी में और प्लास्टिक पेंट की कैटेगरी में पाया जाएगा। तो ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा बनाया जाएगा खादी को प्रमोट करते हुए। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर इसको बनाया जा रहा है। 600 मेगावाट की कैपेसिटी है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे फाइनेंस करेगा, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पैसा देगा। वैनेडियम सोर्स फाउंडिंग की अगर मैं बात करूं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या पाया कि तमंग एंड डेपो एरियाज में, अरुणाचल प्रदेश के तमंग एंड डेपो एरियाज में यहाँ पर ये वैनेडियम पाया गया। हालांकि ये वैनेडियम जो है ये नॉर्मली यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है, यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है ये, बट यहाँ पे देखा गया ये पाया गया यहाँ पर, जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट डक्टाइल एंड ग्रे होता है कलर के अंदर, बट अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको देखा गया, इसको पाया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा इसको बेंगलुरु के अंदर इसको बनाया गया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईएस्ट वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन K2 इसको नेपाली क्लिंबर्स ने जो है वर्ल्ड में नेपाली क्लिंबर्स थे इन्होंने यहाँ पर चढ़ाई की इसके ऊपर। तो दुनिया में किस देश ने यहाँ पर जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दैट इज अ K2 इसके ऊपर चढ़ाई की, दैट इज अ नेपाली क्लिंबर्स। क्लियर, किस तरफ, गिलगिट बाल्टिस्तान वाली एरिया में। सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट के चेयरमैन बने नरेंद्र मोदी जी
नरेंद्र मोदी जी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरपर्सन बने, इससे पहले मुरारजी देसाई रहे थे, मुरारजी देसाई, क्लियर, ठीक है। उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने जो हमारी हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस है इसका नाम बदल के रख दिया नेताजी एक्सप्रेस, नाम बदल के रख दिया नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस। आगे बढ़ेंगे द मूवमेंट अगेंस्ट द स्मगल एंड काउंटरफिट ट्रेड के, इसके लिए लॉन्च कर दिया गया मैस्करेड 2021, फिक्की ने लॉन्च किया है जो इलीगल ट्रेड होती है उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, क्लियर। आगे बढ़ेंगे चिंतन बैठक, चिंतन बैठक यहाँ पर 3 दिन का चिंतन बैठक ऑब्जर्व किया गया, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है इसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया, कहाँ पे, कच्छ गुजरात के अंदर, और हमारे जो मिनिस्टर है डेट इज मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया हमारे यहाँ पे मिनिस्टर है, मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया जी हमारे मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रीन टैक्स, सरकार ने ग्रीन टैक्स अनाउंस कर दिया, ग्रीन टैक्स यहाँ पे बेसिकली जो पॉल्यूशन लेवल है उसके चलते हुए सरकार ने ग्रीन टैक्स अनाउंस किया कि पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज किया जाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ बढ़िए, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़िए, तो इसलिए सरकार ने लॉन्च कर दिया ग्रीन टैक्स, ग्रीन टैक्स, ऐसे व्हीकल जो 8 साल से पुराने हैं उनके ऊपर लगेगा ग्रीन टैक्स, ग्रीन टैक्स, ठीक है। अक्षय कुमार ने एक मोबाइल गेम लॉन्च की डेट इज अ फाउजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, फियर पबजी बैन हुआ था उसके चलते इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट रिपब्लिक डे परेड की बात करूं तो रिपब्लिक डे परेड में जो राम टेम्पल का, राम मंदिर का टैब्लू था इसको टॉप प्राइस दिया गया था, राम टेम्पल का जो टैब्लू था इसको टॉप प्राइस दिया गया था, बट बाकी जो टैब्लू थे उनकी बात भी कर लेते हैं, जाट रेजिमेंटल सेंटर जो था बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट इसको अवार्ड दिया गया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस का मार्चिंग यूनिट था ये बेस्ट चूजा गया, बेस्ट चूज किया गया इसको सीएपीएफ के अंदर में, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का था इसको बेसिकली सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंदर जो सबसे बेस्ट टैब्लू था वो ये चूज किया गया, क्लियर। यूजीसी ने यहां पर हर बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए एक ऑफिस बनाने की बात की ताकि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आकर स्टडी करें, वो इंडिया में आकर स्टडी करें, उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर ये इनिशिएटिव किया गया बाय द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस एफर्ट्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात गवर्नमेंट यहां पर ड्रैगन फ्रूट के नाम पे एक पेटेंट फाइल कर रही है। देखिए ड्रैगन फ्रूट के बारे में आपने सुना होगा, ड्रैगन फ्रूट इंडिया में इतना प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के यहां पर रख दिया गया कमलम, कमलम, बेसिकली गुजरात के अंदर जो बीजेपी का ऑफिस है उसका नाम भी कमलम है, तो यहाँ पे गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी साहब इनका कहना है कि ड्रैगन जो है ये चाइना जैसा लगता है और चाइना की हमारी बनती नहीं है और ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे इंडिया में इतना फेमस है तो चाइना का नाम हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे कमलम उसका नाम रखा जाएगा, कमलम उसका नाम रखा जाएगा। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब को बनाने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब्स को बनाने के लिए इसने एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद बात करेंगे अल्फा ग्लोबल यूनियन, देखिए गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट की बात करूं या फिर गूगल की बात करूं, गूगल 1998 में सर्जे ब्रिन और लैरी पेज नाम के दो बंदों ने मिलकर बनाया था, ठीक है, तो यहां पे गूगल के जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉइज हैं इन्होंने मिलकर बना लिया अल्फा ग्लोबल यूनियन अल्फाबेट के नाम पे, क्लियर। एक ऐसा मटेरियल दैट इज अ जेरोसाइट, जेरोसाइट नाम का एक मटेरियल ये अंटार्कटिका की आइस में पाया गया, अंटार्कटिका की आइस में पाया गया, बेसिकली जनरली ये मटेरियल जो है ये मिनरल जो है ये मार्स पे पाया जाता है, मार्स पे पाया जाता है, तो इसके लिए स्टडी ऑनगोइंग है कि कैसे यहां पे पाया गया अंटार्कटिका के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज अ प्रबुद्धा भारत, प्रबुद्धा भारत बेसिकली एक मैगजीन है, इसके 125 साल हो चुके हैं, ठीक है, दैट इज ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर की मैगजीन है, तो 125 साल इस मैगजीन को पूरे हो चुके हैं, क्लियर। भावना कंत पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी है जो जिसने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया, पहली वुमेन फाइटर पायलट जिसने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया 2021 में, तो ये भावना कंत क्लियर। चलिए तो ये बात आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं है, तो बेसिकली दीज आर द करंट अफेयर्स ऑफ द जनवरी 2021, कंप्लीट जनवरी 2021 हमने कवर कर लिया अपनी इस क्लास के अंदर। किसी तरह का डाउट रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद क्लास के अंदर। एंड और भी किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हुए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, एंड हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऑनगोइंग है, उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।